सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों को पक्का मकान बन सके। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी ब्लॉक के सलाहपुर ग्राम पंचायत में बिमला सहित 5 लोगों को इंदिरा आवास न होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 10 लोग हैं। आप खेती बाड़ी है? थोड़ी बहुत नहीं। आपका घर कैसे न है? कच्चा है। आपका का समस्या होता है? अरे बहुत समस्या है, इसे है छप्पर के घर, आज बारिश में चूंगा था, खुला घर है, कुत्ता बिल्ली हरदम घुस जाते हैं, जो न है दो बार तो चोरी हो चुकी है, एक आदमी 24 घंटा रहा चाहे घरे। आप का चाहता है? ये चाहता है कि वो कुछ मिल जाए। का आपके बीपीएल सूची नाम है? हाँ। आप आवास के लिए क्या कौन प्रयास कर रहे हैं? आवास के लिए प्रधान जी से कहे हैं 2-4 बार, चाहते हैं कि मऊ मिल जाए, कलोनी सलोनी मऊ एक घर बना ली रहे, ठिकान हो जाए। समस्या यही है कि मकान नहीं है, आवास नहीं है, बारिश में जो है छप्पर भीग जाता है तो पानी नीचे चूता है, बिस्तर भीग जाता है, बच्चों की किताब कापी जो है वो भीग जाते हैं जो है, और खाने पीने की सामग्री भीग जाती है, बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, और ठंड में जो है परेशानी होती है, ठंड लगती है बच्चों को, और मकान ना रहने से, झोपड़ी में रहने से जो है चूहे बिल्ली जो है और सांप भी आ जाते हैं और कुत्ते आ जाते हैं, खाना पीना उठा ले जाते हैं, राशन पानी जो है ख़राब हो जाता है। हाँ, हमने जो है कई बार प्रयास किया, जो है यहाँ के प्रधान से जो है बातचीत की और उन्होंने जो है हाँ हूँ करके जो है टाल दिया, सिक्रेटरी से बात की थी, उसने भी आश्वासन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक, 3-5 वर्षीय बीत गई लेकिन अभी तक जो है आवास नहीं मिला। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन लोगों को जल्द से जल्द इंदिरा आवास बने ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील है कि प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-1596-0994 पर फ़ोन कर दबाव बनाए ताकि इनका इंदिरा आवास बन सके। मैं चंदा भारती, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।